हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जेएसवी पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी क्लास सेकंड। अगर आपने डियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था ऑप्शन बी, बी एन राव के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था ऑप्शन बी, नवंबर 26 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1891 को जन्म हुआ था और 1956 को मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है इसमें। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इस प्रकार एक और दो दोनों ही कथन सही है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इनका निर्वाचन जो था ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नीचे दो कर्तव्य दिए गए हैं, कथन ए, वक्तव्य, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन जो था ऑस्टिन का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये कथन जो था महात्मा गांधी का था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ऑप्शन ए, 15।
संविधान सभा की प्रमुख समितियां। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन बी 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सही आंसर है इसका जो है संविधान सभा मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सरदार पटेल। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन बी संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण ज्यूडिकल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ऑप्शन सी भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना का उद्धृत की है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन बी कनाडा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की आवश्यकता को ग्रहण किया था ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहित की गई है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन बी आयरलैंड। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का या राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ऑप्शन बी आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया ये सही सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से और राज्य की नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, डीपीएसपी आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है ऑप्शन सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत
विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन डी अमेरिका से। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन बी 22 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग जो 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों सही सुमेलित हैं, इसमें दिया है 6A, जबकि किया गया है 4A में। हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच स्थायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? ऑप्शन सी संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। निम्न में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी भाग 13। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए भाग 10, 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवंश से। प्लीज डियर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान में जो है ऑप्शन 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन सी 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें जो है स्टार वाला फॉन्ट है, स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में शामिल है तो ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और विधान संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा
सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 51 नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में है। इसमें सूची को जो हम सही मिलान कीजिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि ए का सेकंड। अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में, वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 ए यानी कि क, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में भारत का महान्यायवादी है। 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 239 संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, अनुच्छेद 240 में कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 241 संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और 242 में निरसित। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में, शैक्षा पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी 371 ग मेघालय। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं ऑप्शन ए 12। भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन सी केवल एक 3 कथन यानी कि सी सही है। भारतीय या भारत की संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? ऑप्शन सी 1, 2, 4। 1 संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और 4 में संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों को सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली अनुसूची को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं में भाषाएं हैं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण
और 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ऑप्शन सी 7वीं सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन सी 7वीं सूची। जानवरों की क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, ऑप्शन सी 7वीं सूची। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं सूची का है, ऑप्शन बी आपराधिक मामले। संघीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और 7वीं सूची में 47, फिलहाल 52। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की 7वीं सूची में है, ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से 7वीं सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ऑप्शन बी 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी शेयर बाजार 7वीं सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं सूची में है, ऑप्शन बी शिक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे 7वीं सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन डी दल परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध दल बदल विरोधी विधान से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन डी गैस का। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, रेलवे पुलिस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से, ऑप्शन ए और सी सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72 और सूची सेकंड प्रविष्टि 37। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन बी राज्य सूची में। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड 7वीं सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पंचायती राज से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं, ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, ऑप्शन डी मणिपुर। प्लीज डियर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।